नाजरीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं हेल्दी और टेस्टी मूली के पराठे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने दो मूली ले ली हैं और मूली हमने यहाँ पर बड़े साइज की ली हैं, आप चाहें तो छोटी मूली भी ले सकते हैं। तो इन्हें हमने छील लिया है धोकर, अब इसे हम कर लेंगे कद्दूकस। तो ये मूली को हम कर लेंगे कद्दूकस। तो मूली को कद्दूकस करने के बाद में अब 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसका जो पानी है मूली का वो सारा निकल जाए। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद में मूली में से पानी निकलने लगा है, ये देखिए। तो बस इस तरह हम मूली को उठाएंगे और इसका पानी निकाल देंगे, ये देखिए। मूली का जब सारा पानी निकल जाए तो इसे हम दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। तो ये सारा मूली का पानी हमने निकाल दिया है, अब इसी थाली में हम इसे फिर से डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो एक छोटी प्याज, इसे बारीक काट लिया है, और 1 से 2 हरी मिर्च, इसे भी हमने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। और हरा धनिया डालेंगे इसमें हम बारीक कटा हुआ। अब इसमें हम थोड़े से पाउडर मसाले भी डालेंगे। तो 1 टीस्पून डालेंगे जीरा पाउडर और 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच के करीब अजवाइन। अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा, तो वो गेहूं का आटा हम डालना है इसमें 3 कप के करीब, और 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें नमक। और बस ये सारी चीजों को पहले हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए, तो बस पहले हमने आटे को मूली में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाला था। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो पानी की जरूरत पड़े तभी आप इसमें पानी डालें, नहीं तो पहले आप मूली को आटे में अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। चलिए, तो अब हम इसकी लोइयां तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सूखा आटा ले लिया है और लोइयां हम यहाँ पर बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं रखेंगे, मीडियम साइज की लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस अब हम पराठे को बेल लेंगे। तो लोई पर हमने सूखा आटा लगा लिया है और इसे हल्के हाथों से इस तरह बेल लेंगे। अगर आपको पराठे थोड़े खस्ता पसंद हैं तो फिर आप पहले पराठे को थोड़ा सा बेल लें और इसके ऊपर लगा लें इस तरह ऑयल, थोड़ा सा डालें सूखा आटा और इसे फोल्ड कर लें। लगाएं सूखा आटा और इसे बेल लें। तो बस पराठों को आप इस तरह भी बेल सकते हैं या फिर सिंपल तरीके से भी आप इसे बेल कर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको खस्ता पराठे पसंद है तो आप इस तरह बेल लें, और अगर आपको सिंपल पराठे पसंद है तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो लोई पर हम लगाएंगे सूखा आटा और इसे बेल लेंगे। बस इस तरह हमने ये गोल पराठा बेल लिया है। आप इस तरह भी पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो, खस्ता पराठा इस तरह बेलेगा और सिंपल पराठा इस तरह बेलेगा, तो आपको जो भी पसंद हो आप उस हिसाब से पराठे बनाकर तैयार कर लें। तो बस तवे पर हम डालेंगे ये पराठा। अब ये पराठे को हम इस तरह पलट देंगे। पराठा जब दूसरी साइड से अच्छे से सिक जाए तो अब इसे हम पलटेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल, इसकी साइड को चेंज करेंगे। जब पराठा दोनों साइड से अच्छी तरह सिक जाए, ये देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह सिक गया है, बस इस तरह हम पराठे को सेक कर और निकाल लेंगे।